अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जीनत और जीनत इन द किचन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा मीठा बनाएंगे जिसे देखते ही बस खाने का मन करेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 मीडियम साइज़ के एप्पल को धोकर ऐसे कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। और हाँ फ्रेंड्स, इसे एप्पल को कद्दूकस करने के बाद ये बहुत ही जल्दी इसका कलर चेंज होता है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह चारों तरफ से कद्दूकस कर लिया है एप्पल को। अब एक बर्तन मैंने जाड़ा वाला गर्म कर लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाली है। घी गर्म होने के बाद हम कद्दूकस किए हुए एप्पल को डाल लेते हैं। एप्पल को घी में डालते ही इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है। तो ये देखिए इस तरह हम एप्पल को घी में नरम कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो यही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब 2 चम्मच जितना ही इसमें गुड़ डालेंगे। इसमें ज़्यादा मीठा मत डालिएगा। नेचुरल मिठास होती है, इसलिए गुड़ की जगह आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़ को अच्छा इसमें पिघला लेते हैं। जैसे ही ये गाढ़ा होने लगेगा इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। दो इलायची के दानों को मैंने कूटकर पाउडर कर लिया था। ये देखिए, बस इतना ही डालेंगे इसमें। कुछ कटे हुए बादाम और कुछ कटे हुए अखरोट मैंने इसमें डाले हैं। आप अपने हिसाब से, आपको जो पसंद है ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। ये देखिए, अब ये एप्पल का हलवा बनकर तैयार है। ये देखिए, इसमें से सारा पानी सूख चुका है। बस अब इसे ठंडा करके हम रख लेते हैं। एक बाउल में 1 कप मैदा डालेंगे। मैदे को मैंने पहले से ही छान कर रखा था। बस अब इसमें चुटकी जितना नमक भी डालेंगे और ये खाने वाला फूड कलर येलो कलर का। आपको जो कलर डालना है आप इसमें डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। और फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से इसका आटा गूंथ लेंगे। बहुत ही नरम नहीं करना है। तो आप इस एप्पल पोटली डम्पलिंग्स को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। तो यहाँ देखिए, आटे को मैंने अच्छे से गूंध लिया है। अब इसे साइड में रख लेते हैं। अब पोटलियों के डोरी बनाने के लिए दूसरा कलर का आटा गूंद लेंगे। इसके लिए मैंने 1/4 कप मैदा डाला है और इसमें मैंने लाल कलर का फूड कलर डाला है और चुटकी जितना नमक, और इसमें भी थोड़ा सा तेल डालेंगे 1 छोटा चम्मच। और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, जैसे हमने पहले वाले आटे को गूंदा है उसी तरह इसे भी गूंद कर रख लेते हैं। एक बार और इस आटे को हल्का सा गूंदेंगे और फिर सूखा आटा डालकर
एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे और फिर इसे जितना हो सके इतना हम बेल लेंगे। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाते जाएंगे और इस पेड़े को हम जितना बेल सकते हैं बेल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। जैसे हम मोमोज बनाने के लिए आटे को बेलते हैं बस उतना ही मोटे साइज का बेल लीजिएगा और एक ढक्कन के मदद से देखिए कट कर लेते हैं आटे को, इसके छोटे छोटे पत्ते बना लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए मैंने सारे पत्तों को ऐसे कट कर लिया है और साइड से देखिए जो आटा बचेगा उसके भी हम ऐसे ही पत्ते बना लेंगे। तो अब हम दोरियां बना लेते हैं। तो इसके लिए ये देखिए इस तरह हमें रोल करना है। तो ये देखिए इस आटे के ऐसे सारे हम रोल बनाकर रख लेंगे ये साइज के। तो अब पीला वाला पत्ता हमने जो बेला था उसे रख लेंगे और बीच में जो हमने एप्पल का हलवा बनाया है उसे इसमें एक चम्मच डाल लेते हैं और ये देखिए इस तरह पोटली जैसे इसे शेप देते हुए बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह आराम से ऐसे फोल्ड करके पोटली की तरह बना लीजिएगा और बीच में से हल्के से इसे प्रेस करेंगे। देखिए इस तरह। और जो हमने लाल आटा रोल करके रखा था उसकी हम डोरी की तरह इसमें लगाएंगे। ये देखिए इस तरह ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह। बस इसी तरह सारे पत्तों के हम पोटलियां ऐसे बनाकर रख लेंगे। इसमें अगर आप एप्पल हलवे की जगह कोई और स्टफिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो सारे पोटलियाँ मैंने बनाकर रख लिए हैं। अब इन्हें स्टीम करने के लिए ये देखिए इडली का बर्तन लेंगे और इसमें थोड़ा सा ब्रश करेंगे घी और पोटलियों के ऊपर से भी हम घी को लगाएंगे। घी को लगाने से इनमें शाइन आएगा और ये खाने में भी टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए सारे पोटलियों में मैंने घी ऊपर से लगा लिया है। अब इस बर्तन में हमें एक एक करके ऐसे रख लेंगे। और ये देखिए मैंने गैस पर इडली बनाने के बर्तन में पानी डालकर गर्म कर लिया है। अब इस स्टैंड को इसमें रख कर ढक लेते हैं और 14 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर स्टीम कर लेते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत बनकर तैयार हैं।
गर्मा गर्म इसे खाएंगे तो बहुत ही मज़ा उम्मीद आएगा। करती हूँ कि आप सबको यह रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं मज़ेदार रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।